शीट नंबर 77 में मैग्नेटिक या क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में हमने ये सारे फॉर्मूलास कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। क्यूरीज लॉ, एक्चुअल में जो मैंने क्यूरीज लॉ करवा बहुत बेसिक है, का इज इक्वल टू 1/T मैंने करवाया अभी। तो क्यूरीज लॉ कई बुक्स में ये लिखा होता है, का इज क्यूरीज कॉन्स्टेंट अपॉन T-TC, TC का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्यूरीज कर लो, क्यूरीज वेस्ट लॉ है, इट स्टेट्स दैट ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव द क्यूरीज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर अबव क्यूरीज टेम्परेचर। वो कह रहे हैं जी ऐसा है, आप ये फेरोमैग्नेटिक के लिए लगा रहे हो, वो इन जनरल था, फेरो के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो वो क्या बन जाएगा, पैरा। अगर उसको फेरो ही रखना है तो आपका टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो इसलिए आपको नेट टेम्परेचर लेना होता है T-TC, ताकि वो क्या मटेरियल रहे, फेरो। तो ये लॉ ऐसे लगता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बता दिया क्या होते हैं, ये ग्राफ NCERT की पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कर सकते हो। ग्राफ है कैपिटल M और H/T, क्यूरीज लॉ में किया ना H/T, तो कैपिटल M, कैपिटल देखो कई बुक्स की होती हैं वो आई को कैपिटल M लिखती हैं, यार कैपिटल M से क्यों लिखती हैं मुझे नहीं पता, हम पहली M से बड़ा परेशान है, पोल स्ट्रेंथ भी M है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी M है, फिर मास भी M है, अब वो कह रहा है कि ये भी कैपिटल M, भाई हम तो आई लेंगे, मैंने प्लीज यहाँ पर आई लिख दिया, तो आई का और एच वर्सेस टी, करेक्शन कर लो, यहाँ एम की जगह लिखो आई, नहीं तो आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लोगे, आप लिखो आई। आई का और एच बाई टी का ग्राफ का वेरिएशन याद रखना है, ये क्यूरीज लॉ में ग्राफ मार्क करने को है तो लिख देना और क्या। नेक्स्ट है डोमेन्स का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, प्रॉपर्टीज हमने कर ली, ये ग्राफ मार्क करने को आ सकता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काई है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, नेगेटिव बनता है। फिर हमने पैरा या फेरो की प्रॉपर्टीज कर ली, पैरा या फेरो में जो काई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये ग्राफ मार्क करेंगे, डाया में स्ट्रेट है, पैरा या फेरो में हाइपरबोल है, राइट, क्लियर है। टेबल कुछ नहीं है, कंपैरिजन है, कर लिया कंपैरिजन। हिस्टेरेसिस हमने कर लिया, हिस्टेरेसिस में लिख दिया, हिस्टेरेसिस में परमेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी रिटेंटिविटी ग्रेटर है सॉफ्ट आयरन की, कोएर्सिविटी हिस्टेरेसिस लॉस लेस है सॉफ्ट आयरन का, तो कौन से फैक्टर ज्यादा कौन सा कम सॉफ्ट आयरन, ये लिख दिया बस।